न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत खुश होंगे। आज मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ मेरे मायके। तो 2 दिन के लिए जा रही हूँ, ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ। तो हमारे गांव में ना कीर्तन होता है, छोटा सा मेला टाइप भी बोल सकते हो। तो अभी चल रहा है और 2 दिन पहले शुरू हो गया है। मैं आज जा रही हूँ, आज और कल ही होगा और वो करके हम आ जाएंगे घर वापस। तो बस अभी सुबह निकल गए हैं, निकलने की टाइमिंग थी 7 बजे और अभी निकलते निकलते 8-9 बज गए हैं। हमें मतलब थोड़े से काम आ गए थे, ये वो मतलब टाइम पे तो हम इंडियंस निकल ही नहीं सकते कभी भी। मतलब कभी ये बोलते हैं कि टाइम पे निकलना है तो नहीं निकल सकते, कभी मैं बोलती हूँ टाइम पे निकलना है तो नहीं निकल सकते हम लोग। थोड़ा सा लेट जो है हो जाता है। तो बस अभी निकल गए हैं और जल्दी पहुँच जाएंगे क्योंकि अभी जब हमारे गाँव जाते हैं ना, ये वाला रोड बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, हाईवे टाइप रोड हो गया है। मैंने शायद 1-2 ब्लॉग में आपको दिखाया है। तो रोड बहुत अच्छा है, तो हम बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। और हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, अपनी गोल्डी में जा रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे हम, इसलिए हमने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया और नाश्ता करके ही निकले हम घर से। तो बस अभी पहुँच जाएंगे बहुत जल्दी ही। और पहुँच के मैं मिलने वाली हूँ मेरे कुछ फ्रेंड्स से, मेरी बेस्ट फ्रेंड से भी मिलने वाली हूँ। वो भी आ गई है जस्ट 2 दिन पहले ही, तो उस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी है मुझे। इस वीडियो को ना एंड तक देखते रहना और जो भी मेरे चैनल पर नए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी कोई भी वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। और चलो आप लोगों के साथ पूरा व्लॉग जो है वो शूट करते हैं। और अभी जो हम मतलब ट्रैवलिंग ही कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलो से मैं चलाने वाली हूँ। तो आधे रास्ते में ना मैंने मेरे हस्बैंड को रिक्वेस्ट किया था कि मुझे चलाना है यहाँ से थोड़ी देर। वो शांत है, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। फिर मैंने थोड़ा सा उनको बोला यार धोना थोड़ा चलाने ये वो बोल के, फिर वो मान गए। तो फाइनली मैं यहाँ से चलाने वाली हूँ अभी। बस टर्निंग लेना है यहाँ से और गाँव तक के, बस यहाँ से हमारे गाँव तक के ना 1 किलोमीटर का रास्ता है। तो मैं वहाँ तक चलाने वाली हूँ और मम्मी सबको शॉक कर देने वाली हूँ। चलो देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है। आप ले लो, यहाँ पे बहुत रहते हैं, ले लो वहाँ से चला लेते, यहाँ से चलाओ फिर। ओहो, गाड़ी चलाने वाली हो तुम। पीछे देख लेना। पापा हम कहाँ आ रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? दीदान के घर। तो मम्मी भाई सब लोग देख के ना शौक रह गए थे। और ये जो भाई देख रहे हो ना मेरा, ये ना ड्राइविंग करता है थोड़ा बहुत, तो वो बोल रहा था कि अंदर ले तुझे आता है, तो मतलब उन्हें भरोसा ही नहीं आ रहा था कि मैं चला के आई हूँ। फिर मेरा भाई भी जना यहाँ पे वीडियो करने लग गया था कि मेरी दीदी कार ड्राइव कर रही है। सब लोगों को प्राउड फील हो रहा था। तो अंदर मेरे हस्बैंड ने ही रख दिया था, क्योंकि मैंने कार को जो है ना थोड़ी सा अलग पोजीशन में रख दिया था। तो फिर अंदर रख के हम लोग आ गए यहाँ पे घर के अंदर, और यहाँ पे आके रेस्ट करने लगे। पानी वानी पिए थोड़ा सा। चाची मम्मी सब लोग बैठ के थे, सबसे बात कर रहे थे। तो गाइस मैं आ गई हूँ वो मेरे घर, और थोड़ा सा बात कर रही थी सब लोगों के साथ। बहुत दिनों बाद मिलती हूँ ना, तो बस मैंने सोचा चलो आपको भी थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं। तो घर थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब अभी कीर्तन चल रहा है ना, तो हमारे घर में बहुत लोग आते हैं ये टाइम पे। तो अभी जो आवाज़ भी आ रही है ना कीर्तन की है, अभी ज़्यादा आवाज़ नहीं है, थोड़ी देर बाद से ही जो है माइक में और ज़्यादा आवाज़ आना शुरू हो जाता है। तो ये है कुछ मेरे घर का लुक। और यहाँ पे कोई रहता नहीं है, भैया भाभी रहते थे बट वो अभी बाहर रहते हैं। मैं गई थी देखो मेरे भैया भाभी के घर, बड़े भैया बड़े भाभी के घर, तो वही लोग रहते थे यहाँ पे, बट वो लोग आए थे अभी आज सुबह ही चले गए हैं, तो उनसे तो मिलना हुआ नहीं हमारा। तो बाकी सबसे मिलना हो रहा है, और देखते हैं मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ कब मिलना होता है। शाम को भी हो सकता है, और मैं इसको कॉल करूँगी, अगर दोपहर में आई तो दोपहर में भी मिल सकते हैं, बट कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा उसके साथ। तो अभी मैं कर लूँगी चेंज, और फिर थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करूँगी, उसके बाद आप लोगों के साथ पूरा दिन का रात का ब्लॉग शेयर करूँगी। আমি আর ওরা দেখিনি যে আমার পাশ থেকে আইছে। আমি যেই আমি হাত দিতে গেছি ওর পায়ে উঠে গেছে। এখন পায়ে উঠে মানে এই রকমের পড়ে আমি এর উপরে গেছি। মিয়া ও মা মা কিছু করবে এই তারপরেতে এখান থেকে ভাই নিয়ে হাড় ফুটো হয়ে ফুটো দিয়ে রক্ত। এটা কোল বালিশ চান্দা পর্যন্ত গেছি, সে কোল বালিশ পুরো ভিজে গেছে রক্ত। জজা जजो এই দেখ চিনু মিনু আসছে 20000 সেই সময় কোন আজ থেকে 22 বছর আগে জজো এই দেখ চিনু মিনু এর বাবা ছিল তখন খরচ পানি করে নিয়ে এসে অপারেশন করে সেখানে খুঁজি ওখান থেকে কোন দিন বাড়ি আসলো পয়সা নিয়ে বাড়ি আসলো। এই যে তাই এটা হাত মারছে কাছে শেষ কাছে পালা তো কাছে কাটনি अभी दोपहर को मैं जा रही हूँ मेरे फ्रेंड से मिलने के लिए, मंदिर में आई है वो, और हमारा लंच वगैरह सब कुछ हो गया है। तो मैं जा रही हूँ स्कूटी लेके, मेरी चाची की स्कूटी है, तो वो आज स्कूटी लेके नहीं गई है, तो मैं इसको लेके जा रही हूँ। और मेरे साथ जा रही है गुड़िया, ये मेरी बहन है, छोटी सी बहन, मेरी चाची की लड़की है, तो इसे भी जाना था। और जोजो और उसके पापा है घर पर, तो वो लोग घर पर रहेंगे, रेस्ट करेंगे। मैं जा रही हूँ क्योंकि शाम को वो लोग आएँगे कि नहीं मुझे नहीं पता। तो अभी मैं जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए, वो लोग मेरा ऑलरेडी वेट कर रहे हैं मंदिर में। तो ये है मेरी वो बेस्ट फ्रेंड, मतलब बहुत ज़्यादा मेरी बेस्ट फ्रेंड ही है। तो ये और एक फ्रेंड है, ये भी मेरी बेस्ट फ्रेंड ही है। दोनों मिलके मुझे एक्चुअली मैंने एक साथ दोनों का आँख बंद करना था, बट दोनों एक दूसरी तरफ चले गए ना, तो मैंने पहले उसकी आँख पकड़ ली थी और बहुत खुश है। इसकी शादी हो गई, उसकी शादी नहीं हुई, तो वो अभी तक बैचलर है। तो उन दोनों से थोड़ा सा बात कर रही थी और फिर मैंने कैमरे को ऑफ कर दिया और उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। मैं आ गई हूँ घर और मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, बस मैंने मेरे फ्रेंड से मिली, तो बस वो मोमेंट जो था ना वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो वहाँ पे बहुत लोग थे ना, तो उसे भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था कैमरे में बात करने के लिए, और मैंने भी शूट नहीं किया क्योंकि मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना था। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन नहीं ऐसा बोल सकते हो कि बहुत साल हो गए, क्योंकि बहुत दिन तक नहीं मिला ना, तो हमको ऐसा ही लगता है। तो हमने बहुत देर तक बातचीत की, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, और जो टाइम पर मुझे घर आना था वो टाइम पे तो मैं घर आई नहीं, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया। कोई बात नहीं, फ्रेंड के साथ जितना भी टाइम बिताओ ना उतना भी टाइम आपको कम पड़ता है। तो मैंने अभी तो टाइम स्पेंड किया ही है और शाम को भी जाएंगे हम लोग। शाम के टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पे कीर्तन कैसे होता है, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम था और मुझे मेन उसके साथ मिलना था, तो उससे मिलना हो गया है। और शाम के टाइम पर कीर्तन का जो पूरा वीडियो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं जाऊँगी मेरे बुआ के घर, वहाँ पर भी जो मेरी बुआ की लड़की है ना वो भी मेरी उम्र की है, तो उसके साथ भी एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन है मेरा, तो वो भी आई है। तो वो भी मम्मी से पूछ रही थी कि मैं आऊँगी कि नहीं, तो मैं उससे भी मिलने जाऊँगी थोड़ी देर बाद। तो पहले जोजो को थोड़ा सा खिला देते हैं, उसके बाद चलेंगे उसके घर और फिर शाम को चलेंगे हम हमारे कीर्तन की जगह पे। और ये ना हम हमारे बुआ के घर आए थे, पता नहीं जोजो को क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा डर गया था और ना डर के मारे रो रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदर नहीं जाना था, और मुझे देख के ना मेरी दीदी फिर मेरी बुआ वगैरह सब सामने से आ रहे थे ना, शायद वही देख के वो डर गया। अचानक से जाते वक्त शांत था, बट वो लोग जैसे आ रहे थे ना वो देख के वो बहुत ज़्यादा डर गया। ये देखो बहुत ज़्यादा रो रहा था मेरा बच्चा, और हाथ पकड़ के ना मुझे खींच के लेके आके रोड तक, तो वहाँ पे भी मेरी दीदी आ गई और बोली तू उसे शांत करा, अच्छे से चुप करा, उसके बाद तो अंदर लेके आओ। वो लोग भी मतलब कोशिश कर रहे थे कि वो शांत हो जाए, बट वो शांत हो ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। मैं भी उसे कोशिश कर रही थी शांत कराने की। फिर वहाँ पे जो बच्चों के खिलौने थे ना उससे मैंने उसको शांत करवा दिया, फाइनली वो जाके शांत हुआ। और फिर भी मैंने 10 या 15 मिनट ही वहाँ पे बैठ पाई, उसके बाद मुझे वहाँ से जाना पड़ा घर के लिए। मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था, दीदी को भी समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या हुआ। दीदी अभी बहुत खुश हो गई थी मुझसे मिलने के बाद, यहाँ पे खड़े रह के मुझे बात करना पड़ रहा था दीदी के साथ। फिर जाके मैं अंदर गई। फिर शाम को रेडी होके हम आ गए कीर्तन पे, और ये शाम का कीर्तन का टाइम है। इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बट हम जब गए थे तब स्टार्टिंग थी, इसलिए लोग आना शुरू हुए थे बस। और ये देखो ये होता है शाम के टाइम पे, ये रिचुअल होता है। तो ऐसे सिर के ऊपर प्रदीप की थाली लेके ये लोग ऐसे घूमते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम पे ना अगर आपकी कोई मन्नत रहती है तो एक मिठाई रहती है बादशाह, उसको भी ना ऐसे छिड़काया जाता है। तो वो चीज़ भी हो रही थी, बट इसके बाद हो रही थी वो तो यहाँ पे हो रहा है प्रसाद वितरण। महाप्रसाद नहीं है ये, सुबह और शाम को खाना दिया जाता है वही है बस। तो लोग आना बस शुरू ही हुए थे। और यहाँ पे 7 सजावट की दुकान है एक तरफ, और एक तरफ मिठाई और आइसक्रीम वगैरह के खाने की चीज़ों की दुकान थी। तो इस तरफ हम नहीं थे क्योंकि इस तरफ बैठने की जगह बिल्कुल नहीं थी, तो हम दूसरे साइड चले गए थे। ये खाने की साइड पे हम यहाँ पे बैठ के थे, आराम कर रहे थे। फिर आ गए हम कीर्तन के यहाँ पे। गई हो अभी घर। तो कीर्तन ख़त्म हो गया है। और शाम के टाइम पे ना हमारे यहाँ पे जो लेडीज़ लोग रहते हैं वो सिर में वो प्रदीप का वो थाली लेके वो लोग घूमते हैं, तो उसका टाइम हो गया था। और हम लोग जब गए थे ना तब ऑलरेडी वो शुरू हो गया था। मैंने वहाँ पे जाके जो है वीडियो शूट करने की, पूरा वीडियो दिखाने की कोशिश की है आप लोगों के साथ। आज ना दिन भर से शूट कर रही हूँ, तो मैंने मोबाइल को चार्ज बिल्कुल नहीं किया था। लास्ट मोमेंट में मुझे पता चला कि मेरे मोबाइल में बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, बहुत कम चार्ज है। तो उसके बीच में जो है ना मैंने थोड़ा थोड़ा शूट करने की कोशिश की है। कल हमारे यहाँ पे महाप्रसाद रहता है, तो कल का दिन का व्लॉग जो है मैं बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए कवर अप करूँगी। तो आज के व्लॉग में मैं सिर्फ इतना ही कर पाई। तो मेरा मेन मोटिव था कि मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिलूँ, बहुत दिनों से उसके साथ मिली नहीं थी मैं। और भी कुछ फ्रेंड्स थे वो भी आए हैं, तो उन सबसे मिलने के लिए ही बस आई हूँ कि यही टाइम पे सब लोग के साथ मिलना होता है, अदरवाइज़ कोई आता नहीं है ज़्यादा। तो बस अभी सबसे मिलना हो गया है और कल भी मिलेंगे। आज भी अभी शाम को अच्छे से मिलने का था, बट वो लोग भी अपने फैमिली वालों के साथ आए थे तो मिलना हुआ नहीं। और मेरे फ्रेंड को भी आप लोगों के साथ मिलाना था, उससे भी इच्छा थी कि आप लोगों के साथ बात करें, थोड़ा सा मिले। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। आपको ये पूरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मेरे सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।